हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम ये गला जो है कट करके देखिए, मैंने इसको स्टिच किया है फ्यूजिंग पेपर पे। तो इसे हम किस तरह सूट में अटैच करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको इसके तरह से राउंड जो है एकदम फोल्ड करके एकदम बीच में एक कट पॉइंट लगाना है, और उसके बाद हम कट पॉइंट लगाने के बाद हम जो सूट है वो ले लेना है हमें, और इसको भी इस तरह से फोल्ड करके कट पॉइंट लगा देंगे। तो जब हम इसको इस तरह से कट पॉइंट लगा देते हैं तो हम आगे नहीं दोनों कट पॉइंट को इस तरह से मैच करेंगे, तो ये सूट में परफेक्ट तरीके से गला अटैच करने का तरीका होता है। अगर आपको फ्यूजिंग पेपर इस तरह से कटिंग नहीं करना आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए, हमने बीचों बीच इसको एकदम रख के एक बीडेड पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पर एक बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे, जो सिलाई एकदम बीचों बीच लगेगी जिससे हमारी ना कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो इस सिलाई को हम इस तरह से जो है अटैच कर ले रहे हैं, यहाँ तक सिलाई को लेकर आना है। अब ये सिलाई लग जाने से हमारा जो है ना कपड़ा टस से मस नहीं होने वाला है, और हम एकदम सिक्योरली इसको यहाँ से जो हमने निशान लगाया, देखिए ये जो निशान लगा यहाँ पर कट होगा, इसी निशान पर हमें इस राउंड घुमाते हुए इसको सिलना। साथ में हम डोरी अटैच करना भी बताएंगे आपको। देखिए इस तरह से हम जब इसको सिलते हुए आते हैं तो हमें चार फिंगर दूरी पर इस डोरी को अटैच करना होता है। इस तरह से ये डोरी जहाँ हम फिक्स करेंगे वहाँ पर हम ना इसको थोड़ा पक्का कर लेंगे दो तीन बार इस तरह से करके। अब सेम इस तरह से राउंड घुमाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड भी हम सेम इसी तरह से एक डोरी जो है लगा लेंगे। तो देखिए इसको सिलने के बाद हम अब इसको कट करेंगे, हल्का सा दो सूट छोड़कर हम सारा ये जो है एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। और इस तरह से हमारी जो गला परफेक्ट तरीके से कट होती है, पहले मैं गला नहीं कट करती हूँ, बाद में कट करती होती हूँ इसको सिलने के बाद। अब हम यहाँ पर ना सब तरफ से कट्स पॉइंट लगा देंगे हल्का हल्का। ये बैक पल्ला है इससे छोटा ही गला जिसको पसंद था इस तरह से मैंने बनाया है। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले हम एक बड़ी सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। बड़ी सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें हेम करना है। अगर आपको हेम नहीं करना तो छोटे सिलाई लगा लीजिए, बट सूट के गला या ब्लाउज़ के गले में ना हेम अच्छा लगता है, तो जिसे हम तुरपाई बोलते होते हैं। तो एक हम बड़ी सिलाई जो है यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको हेम करेंगे। तो देखिए अभी मैंने सुई में धागा जो है डाल लिया है, और अब हेम करने की बारी आती है, तो हमने इसको इस तरह से हेम करना है। हेम करने के बाद जो हमने धागा ये सिलाई किया था उस धागा को हमें खोल देना है। बड़ी सिलाई हमने किया था ताकि अच्छे से हम हेम कर पाएँ। तो ये देखिए हमारी गला परफेक्ट तरीके से राउंड बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।